और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं और राष्ट्रपति भवन में मोहम्मद सलमान बिन का स्वागत किया जा रहा है। ये इस वक्त लाइव तस्वीरें दिल्ली से, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद थे और शहजादे के दौरे के दौरान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का विषय एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। साथ ही दोनों देश रक्षा संबंधों में बढ़ोतरी पर भी चर्चा कर सकते हैं और इसमें संयुक्त नौसेना अभ्यास भी शामिल है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दक्षिण एशिया के दौरे की शुरुआत में इस्लामाबाद पहुंचे शहजादे सऊदी अरब से लौट गए थे और भारत ने उनके पाकिस्तान से यहां के दौरे पर आने को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। शहजादे के दौरे से पहले सऊदी अरब के विदेश मंत्री अदेल अल जुबैर ने कहा है कि पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को रियाद कम कराने का प्रयास करेगा। तो सऊदी अरब के शहजादे अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान भारत पहुंचे हैं। आज दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है और आतंकवाद समेत तमाम जो मुद्दे हैं इस दौरान चर्चा में उठ सकते हैं। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां राष्ट्रपति भवन में इस वक्त ये कार्यक्रम चल रहा है और जो डेलीगेशन पहुंचा है सऊदी अरब से यहां, उनसे एक एक करके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। तो शहजादे के दौरे के दौरान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का विषय एक प्रमुख मुद्दा रहेगा और साथ ही साथ दोनों देश रक्षा संबंधों में बढ़ोतरी पर भी विचार करेंगे, जिसमें संयुक्त नौसेना अभ्यास भी शामिल है। तो पाकिस्तान के बाद भारत पहुंचे हैं सऊदी अरब के शहजादे सलमान, जिनका स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचकर और उसके बाद राष्ट्रपति भवन में शहजादे सलमान के साथ जो डेलीगेशन आया है अरब से, उनका भी स्वागत किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहले से ही कुछ नहीं होगी बैठ वाइट। तो आज दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी है। इस दौरान आतंकवाद, रक्षा समेत कई अहम मुद्दे छाए रह सकते हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान अल सौद सऊदी अरब के प्रथम उप प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे कम उम्र के रक्षा मंत्री हैं और वो शाह बनने से पहले भी कभी कभी शाही अदालत और विकास मामलों के लिए परिषद के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं।
तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, जहां एक तरफ स्वागत किया जा रहा है प्रिंस सलमान का और रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त राष्ट्रपति भवन से। तो मोहम्मद बिन सलमान सोमवार को पाकिस्तान में थे और वहां से वो दिल्ली आने वाले थे, लेकिन पुलवामा हमले के बाद भारत ने उनके इस्लामाबाद से सीधे दिल्ली आने पर आपत्ति दर्ज की थी और भारत के विरोध के बाद वो इस्लामाबाद से रियाद चले गए और रियाद से उन्होंने दिल्ली की फ्लाइट ली। तो हाथ मिलाकर मित्रता का संदेश दिया गया है, एकता का संदेश दिया गया है कि हाँ, हम जो देश हित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनमें दोनों देश साथ हैं, फिर चाहे वो आतंकवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा ही क्यों ना हो। हालांकि कहा जा रहा है कि अपना रुख भी साफ कर सकता है आतंकवाद पर अरब,